मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर आए हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी आए, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? ग्वालियर में श्री हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आने से अति उत्साह है कार्यकर्ताओं में। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। सभी जो है कार्यकर्ता भाजपा के पूरी और पदाधिकारी पूरे जोश में है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से ग्वालियर में आएगी। हजारों लाखों मतों से बीजेपी का आगमन सुनिश्चित है, इसमें कहीं भी कोई संशय और कोई शंका नहीं है। इसके लिए हमारे विरोधी पार्टियों को भूखी खानी पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना है और ऐसी ही हमारी प्रेरणा है मिली है हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के आने से। हमारे को बहुत ही अति उत्साह है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन सरकार दी है हमें, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मोदी जी जो हैं गारंटी है, हमारी गारंटी है मोदी जी। मोदी जी का नाम एक ऐसा नाम है जो गारंटी है भारतवर्ष की, सनातन धर्म की और आपके भारत की उन्नति की। अभी हमारे यहाँ 19,000 करोड़ का जो है एक साल के अंदर उन्होंने जो हमको तोहफा दिया है वो अपने आप में अद्वितीय है। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ग्वालियर आए, क्या कुछ खास कहा उन्होंने अपनी सभा में? देखिए साहब, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। कांग्रेस पार्टी जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सालों से राजनीति करती आई, उनके नाम पर वोट बटोरती आई, लेकिन उनका जो आदेश था स्वच्छता का उसको कभी उन्होंने नहीं अपनाया। मोदी जी ने आकर स्वच्छता के छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा मूवमेंट बना दिया कि आज हर व्यक्ति अपने घर में के आगे साफ़ सफाई रखना चाहता है। तो निश्चित रूप से जब हम साफ़ सफाई अच्छे स्वस्थ माहौल में रहेंगे, स्वच्छ माहौल में रहेंगे, तो हमारे शरीर का ही इसमें विकास होता है, सब चीज़ होती है। ये बहुत एक अच्छा उन्होंने बोला के संदेश दिया। और ग्वालियर के अंदर आगे कल जो उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया है, निश्चित रूप से ग्वालियर के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो करोड़ों की सौगात दी है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और देश के हैं, तो आप इस करोड़ों की इन सौगातों को किस तरह से देखते हैं? कितना विकास करेंगे ये प्रदेश का? अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बनी हुई है, 9 साल होने पूरे हो गए और इतना विकास कार्य किया है कि भारत नंबर 1 पे आ चुका है। और मोदी जी रहेंगे तो अच्छा काम करके जाएंगे, ये हमारा मतलब एक संकल्प है। नहीं, मोदी आए अभी तो क्या क्या विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी है? बोले एक तो मेनू ट्रेन चलाई है इनने, कल मतलब हरी झंडी दिखाई है, और 1900 करोड़ की विकास कार्य मतलब किए इनने। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, किस तरह का विजन रहा उनका जब ग्वालियर आए और किस तरह से उन्होंने फोकस किया यहाँ के विकास कार्यों को लेकर? ग्वालियर के विकास के लिए वो सतत रहे, पहले भी उन्होंने विकास कार्य के लिए पैसा दिया, कई तरह से पैसा मिलता रहा है, कई योजनाओं में कांग्रेस बीजेपी ने दिया है, और अभी जो 1900 करोड़ रुपये की योजनाएँ दी हैं उसमें एक मेमू ट्रेन उन्होंने बहुत बढ़िया दी है 19,000 करोड़ की, उसमें 30 किलोमीटर का सफ़र जहाँ 100 रुपये लगते थे वो 30 रुपये में सफ़र हो जाएगा, जनता के लिए पूरा फायदा। दूसरा काम जल नल का काम, 60 करोड़ रुपये साडा में खर्च किए, 59 करोड़ रुपये देहात में दिए, और कई योजनाएं ऐसी दी हैं उन्होंने पार्टी बीजेपी ने ग्वालियर के लिए, जो आगे चल के आपको लगेगा कि यहाँ विकास हुआ है, नहीं तो अभी तो इतने सालों से ग्वालियर में विकास दिखा का था। ग्वालियर विकास अब दिखना शुरू हुआ है और अब आने वाले 1-2 साल में देखना आप, बहुत बड़ा विकास आपको लगेगा कि ग्वालियर हाँ डेवलपमेंट शहर है। बाईपास हाईवे ब्रिज ये सारे विकास कर मोदी जी के कार्य समय में दिए हुए हैं। ये तो कोई एक भी पुल ऐसा नहीं था जो पहले बना हुआ हो, अब नए नए पुल बन रहे हैं, नई नई रोडें बन रही हैं, हाईवे से जुड़ रहा है ग्वालियर, नए नए दिल्ली से चंडीगढ़ तक जुड़ रहा है, सब जगह से हाईवे से जुड़ा हुआ है ग्वालियर, तो बहुत बड़ी बहुत डेवलपमेंट किया है। विकास कार्य के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है ग्वालियर की जनता, और जानते हैं हम कि मोदी जी अगर आएंगे तो फिर नया परचम लहराएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे साथ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी आए प्रधानमंत्री हमारे देश के,
महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो किस तरह से महिला का सशक्तिकरण अभी तक हुआ है? महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने महिला को एक सशक्त और एक मजबूत बनाया है। जिस प्रकार के हम देख रहे हैं कि महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, आज महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घर घर तक हमारे मोदी जी ने गैस की सुविधाएं करवाई हैं। इसी प्रकार मैं यदि महिलाओं पर कहती हूं तो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तब वहां से गोद भराई से लेकर बच्चे के जन्म तक उन्हें 5,000 रुपये का जो फ़ायदा दिलवाती है, यह सभी हमारी मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं हमारी मोदी सरकार के द्वारा ही दी जा रही है। अभी प्रेजेंट में हमारी मध्य प्रदेश सरकार में और अन्य भी अपने राज्य हैं वहां पर जिस प्रकार से हमारी महिलाओं को लाडली बहना योजना का जो दिया जा रहा है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव है कि हम आने वाले दिनों में हमारे मोदी जी मजबूत होंगे, हमारे मामा मजबूत होंगे और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 101% हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर में दौरा हुआ, तो ऐसे में अब क्या राजनीतिक मायने में कैसे देखते हैं आप इन दौरों को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व और बहुत बड़ा प्रभाव है। आज माननीय मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ना कि वो किसी देश या क्षेत्र के। मध्य प्रदेश में आने से निश्चित पूरे मध्य प्रदेश में कल उन्होंने 19,000 करोड़ से ऊपर की सौगातें दी हैं। इसमें हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए तो बहुत उन्होंने योजनाएँ दी हैं। पूरे मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे से जोड़ा है, जो दिल्ली बम्बई मार्ग था, इंदौर में दिव्यांग विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अंचल के लिए ग्वालियर आगरा हाईवे 6 लेन करने जा रहे हैं। ग्वालियर के अंदर एलिवेटेड रोड है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मेमो ट्रेन है। ग्वालियर के अंदर कम से कम उन्होंने करोड़ों हजारों लोगों को विश्वास में लेके उनके लिए विकास के लिए हमको ये योजना दी है और ये मील का पत्थर साबित होंगी। मोदी जो कहते हैं वो मुमकिन है, गारंटी है, क्षेत्र में कंटिन्यू विकास हो रहा है। सिलेंडर की रिफिलिंग यही होगी, उसकी आवागमन के अंदर कम से कम 50 से 60 रुपये प्रति सिलेंडर प्रति परिवार को फ़ायदा होगा। बात छोटी है पर ये रकम जब मल्टीप्लाई होती है तो लाखों करोड़ों हो जाते हैं इसी में। चाहे मेमू ट्रेन हो जो सबलगढ़ तक गई, 2.5 साल के अंदर वो ट्रेन ट्रैक फिर से चालू कर दिया, जो हमारे सिंधिया जी ने किसी समय में बनाया था उसको 20 साल लग गए थे गुना सुब्रिज शुरू होने में, ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रयास से चालू हुआ था। फिर ज्योतिराज सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से ग्वालियर अंचल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता उनके विश्वास में है, उनके साथ हैं, मन में मोदी हैं, जो होना चाहिए देश के लिए वो काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ है, मध्य प्रदेश के विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार से ज़्यादा काम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश कहीं पिछड़ा नहीं है। बड़े बड़े कारखाने ये लग रहे हैं, इनका आने वाला परिणाम आपको अगले 6 महीने बाद दिखेगा, जब आप ये चीज़ें वहाँ यहाँ फलीभूत हो जाएंगी। यार आज इतने हजारों लेबर यहाँ काम कर रही है, पैसा तो यहीं शहर में रोटेट हो रहा है, इसी से विकास होगा, इसी से देश आगे बढ़ेगा। ये मोदी जी के ही मार्गदर्शन में संभव है और बाकी ईश्वर उनको अच्छी आयु दे, हम तो उनकी शुभकामनाएँ देते हैं। और मध्य प्रदेश के में आने से निश्चित हमें लाभ हुआ है और ग्वालियर अंचल संभाग में भी मोदी जी के लिए बहुत प्रेम लगाव है, बहन बेटी सब में। कल जो वहाँ भीड़ थी हमने देखा, लोग उनके इंतजार में दीवाने हुए जा रहे हैं, खड़े हुए हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, क्या है ये उनके प्रति प्रेम है और इस प्रेम का निश्चित है कि ये आदमी उनको वोट देगा तो मध्य प्रदेश में मोदी जी के आने का प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ेगा तो सरकार भी मध्य प्रदेश में भाजपा की बनेगी। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर गारंटी की बात करते हैं तो क्या जनता उनके वादों को गारंटी के रूप में मानती है? गारंटी इसलिए मानती जनता उनके मोदी जी को क्योंकि जब 2014 से अब से मोदी जी बने तो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हाँ ये सब कुछ संभव है। चाहे हम राम मंदिर का मुद्दा ले लें, चाहे धारा 370 ले लें हम, चाहे नोटबंदी वाले से मामले से, जैसे आज कैश की समस्या ख़त्म हो गई है, लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे अपना पर्यटन के क्षेत्र में आप देख लो, ये जो पैसा जो आज ग्वालियर बाड़े पे है जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से, ये मोदी जी की योजना है स्मार्ट सिटी योजना कि पूरे शहर को आज उन्होंने चमका के रख दिया है। आज भी आप रात को 11 बजे जब बाड़े पे जाओगे ना तो इंदौर उज्जैन दिल्ली भोपाल से लोग आगे वहाँ पे सेल्फी लेते हैं, पीछे बताते हैं कि ये ग्वालियर है। तो ये एक सोच है, एक वो है, एक विज़न है उनका देश को कैसे आगे बढ़ाना है। और अभी चाहे हमारे
जो एयरपोर्ट के मामले में देख लो, हमारे सिंधिया जब से केंद्र में मंत्री बने हैं आदरणीय महाराज साहब, तो ग्वालियर में मुझे याद है पिछले साल 16 अक्टूबर 2022 को अमित शाह जी के द्वारा वहाँ पर उद्घाटन किया गया था। अभी 16 अक्टूबर आई नहीं है और वो एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। 500 करोड़ का एयरपोर्ट कितनी बड़ी सौगात है। एलिमिनेटेड रोड पूरी, यहाँ से पूरी 1000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है पूरा, जिससे पूरे ट्रैफिक का जो दिक्कत है यहाँ पर, जो ग्वालियरवासी बहुत समय से परेशान है, वो पूरा ट्रैफिक वहाँ से कम होगा। ये भी पूरा आपका काम चालू है। ISBT का एयर बस स्टैंड वहाँ बन रहा है जलालपुर पे। रेलवे स्टेशन के लिए 500 करोड़ रुपये रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास भी दिए हैं ग्वालियर के वासियों को, किस तरह से आप देखते हैं उसको? गरीबों को आवास, हर आदमी को आवास, ये मोदी जी की सोच थी। उन्होंने दिए, जिनके पास ज़मीन थी उनको नव निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए, जिन्होंने फ्लैट या शहर की जो बड़े लोग थे सभी को उन्होंने एक लाभ दिया है बैंक के माध्यम से। पूरे देश में करोड़ों लोगों को मिला, हमारे मध्य प्रदेश में 23.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को आवास की योजना का लाभ मिला है। और लोग गरीब लोगों को मिला है, उन्होंने अपने नव निर्माण कर लिए हैं, सीधे डायरेक्ट उनके खाते में पैसा गया है, अपनी मर्जी का मकान बना पाए हैं। ये एक अच्छे व्यक्ति तो और अच्छे सोच वाले इंसान कर सकता है, जो नरेंद्र मोदी के अंदर है। एक एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान देते हैं, उन्होंने जगह जगह शौचालय बनवा दिए हैं, उससे निश्चित है कि हमारे क्षेत्र में सफाई भी बढ़ी और लोगों का इज्जत भी बढ़ी आगे। और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, ये मोदी जैसा ही दिव्य व्यक्ति कर सकता है। और जो आवास उन्होंने दिए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ, अपनी घर हुई है, तो सब लोग मोदी जी के दीवाने हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इस योजना से। प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, तो क्या गारंटी है जो वादा करते हैं उसकी? मोदी जी तो 2014 से जब से आए गारंटी है ही, और गारंटी इस बात की केवल विकास की गारंटी नहीं है, गारंटी विकास की भी कि हमारा देश आज सुरक्षित है। आज हिंदुस्तान का नाम मोदी जी के कारण पूरे विश्व के अंदर है। आज जब मोदी जी कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है हम लोगों के लिए। तो ये थे ग्वालियर के कुछ BJP कार्यकर्ता हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके जो गारंटी है, जो जनता से वह वादा करते हैं वो गारंटी के तौर पर वह देखते हैं और वो उसे पूरा भी करते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।